राजधानी भोपाल से खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी अब सरकार कर रही है। फंड मर्ज करने वाले प्रस्ताव इस दौरान मंजूर किए जाएंगे। दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। शीतकालीन सत्र की तैयारी से जुड़ी ये बड़ी खबर, दिसंबर में आयोजित होगा ये सत्र। तो वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि आप बताइए आपके पास कौन कौन से प्रस्ताव हैं, कहां पर किस तरह से मत को लेकर समस्याएं हैं। 10 नवंबर तक अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए हैं। तो विधानसभा में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी अब सरकार कर रही है। वित्त विभाग सक्रिय हो गया है। सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आप प्रस्ताव तैयार कीजिए। इसी को लेकर अब खबर यह आई कि 10 नवंबर तक अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 नवंबर तक अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, अनुपूरक बजट की तैयारी सरकार कर रही है, इस बीच खबर ये कि सभी विभागों को वित्त विभाग ने कहा कि आप प्रस्ताव तैयार कीजिए, इसी को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार जो है आने वाले समय में दिसंबर, हम जान रहे हैं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने वाला है, जिसको लेकर के अब अनुपूरक बजट की तैयारी भी जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसके तहत तमाम सारे विभागों से जो है एक प्रस्ताव मांगा गया है, जिसमें कि वो साफ तौर पर लिखा गया है कि आने वाले समय में जो विभाग हैं जो खर्च करने वाले हैं और कौन कौन सी योजनाओं के लिए कितना खर्च आएगा और इससे पिछले योजनाओं का लाभ कितने लोगों तक पहुँचा है, कितना बजट जो है वो पेश करना चाहिए। वित्त विभाग ने तमाम सारी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने के लिए कही है और सभी विभाग जो है अब 31 अक्टूबर तक जो है तमाम सारी जानकारियां इकट्ठा करके जो है वित्त विभाग को पहुंचाएंगे और उसमें साफ तौर पर ये उल्लेख होगा कि इस विभाग को इतना बजट जो है वो आवंटित करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग विभागों के लिए जो है लगातार प्रदेश सरकार की ओर से कर्ज भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जनहितैषी योजनाएँ चला रहे हैं, तो ऐसे में जो है केंद्र से भी फंड लिया जा रहा है, इसके राज्य सरकार भी जो है वो फंड जुटाने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में अलग अलग विभागों पे जो लोड आता है उसको ध्यान में रखते हुए जो है अब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसके तहत जो है सभी विभागों को एक जो राशि होती है वो आवंटित की जाएगी। सबसे अधिक बात करें तो वित्त विभाग ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है, खुद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो है अधिकारियों के साथ बैठक ली है, उसके बाद से जो है निर्णय लिया गया कि आने वाले शीतकालीन सत्र में जो है अनुपूरक बजट को जो है पेश किया जाएगा, जिसमें तमाम सारे जो अलग अलग विभाग है, चाहे हम बात करें वित्त विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, स्कूल शिक्षा विभाग की, तो जितने भी विभाग हैं उनमें जो राशि आवंटित की जाती है उसकी एक जो है वो डाटा तैयार किया जाएगा कि इस विभाग को इतना राशि जो है वो आवंटित करना है और उसी के आधार पर जो है आने वाले समय में अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन तमाम सारे विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि 31 अक्टूबर से पहले जो है जो भी विभाग में पैसा लगना है या फिर आने वाले समय में जो भी विभाग उस पर खर्च करेगा उसका एक डाटा तैयार करके वित्त विभाग को पहुंचाए, उसके बाद से जो है तैयारी अब तेज हो चुकी है और आने वाले शीतकालीन सत्र में इसको पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल रंजन, तो शीतकालीन सत्र की तैयारी सरकार कर रही है, सभी विभागों से प्रस्ताव वित्त विभाग ने मांगे हैं कि बताइए कौन कौन से प्रस्ताव आपके हैं, कहां पर रिक्त पदों पर भर्तियां होनी हैं, सैलरी को लेकर किस तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहां पर कितना खर्च होना है, इसकी बाद भी वित्त विभाग ने कही है कि आप प्रस्ताव तैयार कीजिए आर्थिक रूप से भी, रिक्त पदों के हिसाब से भी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अलग अलग विभाग है मध्य प्रदेश में और जितने भी सरकारी विभाग है उसमें अलग अलग प्रस्तावों के हिसाब से जो खर्च किए जाते हैं, खास करके वित्त विभाग पर हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है लोड बढ़ता है, लगातार प्रदेश सरकार की ओर से जो है कर्ज भी लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में इससे किस तरीके से निपटा जाए और आने वाले समय में जो है जो प्रदेश सरकार जो योजनाएँ चला रही है उसके लिए जनता को जो है लाभ मिले और साथ ही साथ जितने भी विभाग हैं उन पर भी लोड ना हो, इसके
लिए जो है अनुपूरक बजट जो है अब पेश किया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर जो प्रदेश की जनता है उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साफ तौर पर जितने विभाग हैं उनका लोड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग जो है खुद स्वयं प्रस्ताव तैयार करेगा और उसी के आधार पर जो है उन विभागों को जो है बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो ऐसे में आने वाले समय में हम कह सकते हैं जितने भी विभाग है उनको अनुपूरक बजट के तहत जो है राशि आवंटित की जाएगी और उसी के आधार पर जो है सभी विभागों को जो है राशि दी जाएगी। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी रंजन, बहुत धन्यवाद आपका।